राजपाल इंसान सर, किधर जा रहे हो भैया? अभी मैं नोएडा जा रहा हूँ जी। सर कितना टाइम हुआ है अभी? सुबह के 4 बजे हैं जी। सर अभी हाईवे पे आप लोग क्यों रुके हुए हो, क्या पर्पस है? हाईवे पर देखिए, वहाँ पर एक गाय का पता नहीं रात में एक्सीडेंट हुआ होगा, एक गाय मरी पड़ी है यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि रोड पे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि इसका ब्लैक कलर है और अंधेरा है ये, तो इसके लिए मेरे पास में गाड़ी में एक बेड शीट थी, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है, रेड कलर है उसका, तो थोड़ी हाईलाइट होगी। और दोनों साइड हमने करीब 10 मीटर उधर और 10 मीटर इधर कुछ मतलब रिफ्लेक्टर टाइप का ये वाइट वाइट लगा दिया है, ताकि कोई गाड़ी जो है ना वो गलती से भी इसके ऊपर ना चढ़ जाए। और 100 नंबर पे कॉल कर दी है, तो वहाँ से कंफर्मेशन कॉल भी आ गई है, तो शायद वो गाड़ी लेके आ रहे होंगे और इसको उठा लेंगे जी। तो यही पूज्य गुरु जी की रहमत से, जो 134 मानवता भलाई कार्य है जो उन्होंने चला रखे हैं, उसमें ये भी है कि सड़क पर अगर कोई पशु आपको मरा हुआ ऐसा दिखाई दे तो उसको अपने रोड से हटाना है। अब जैसे कुत्ता है तो वो तो मैं अकेला हटा देता हूँ, अब ये गाय है और रात का इस टाइम है, तो नहीं तो अदरवाइज कुछ JCB वगैरह लेकर के या कुछ मैन पावर की सपोर्ट लेकर के मैं इसे हटा देता, लेकिन अभी यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने 100 नंबर पर कॉल कर दिया और दोनों साइड में इसके रिफ्लेक्टर लगा दिए हैं जी। सर आज के समय में कोई किसी के लिए नहीं सोचता है, तो देखिए मैं भी नहीं सोचता था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूज्य गुरुजी ने हमें ये सिखाया है कि ऐसे हमें सेवा करनी है, तो इसीलिए ये जस्ट सेवा कर रहे हैं जी। किसने प्रेरणा दी है सर आपको? संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाने जी। क्या और भी ऐसे कार्य आप लोग करते रहते हैं? हाँ, जैसे कल मैं चंडीगढ़ गया था, तो मतलब क्या कहूँ कि वहाँ पर भी ऐसा ही एक दुखद मतलब एक गाय सफ़ेद रंग की मरी हुई थी, तो उसको भी हटाया वहाँ से, लोकल बंदों का सम्मान लेकर के एक JCB से खड्डा खोद करके उसे जो है खड्डे के अंदर दबा दिया था। इस तरीके से और भी मानवता भलाई के कार्य तो 134 है, जिससे कोई भी अगर मंदबुद्धि ऐसे सड़क पर मिलता है तो पूज्य गुरुजी ने बोला है कि उसकी इन्फॉर्मेशन लो, उसका इलाज कराओ, पता करके उसके घर पहुँचाओ, ऐसे भूखे लोगों को खाना खिलाना, और भी गरीब लोगों का सहारा, जो गरीब लड़कियों की शादियां करवाना, अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का रोज़गार छीन गया है तो उन्हें राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से गरीब आदमी है उसके पास मकान नहीं है लेकिन जैसे ज़मीन है, तो उसका पंजाब हरियाणा सभी जगह संगत उनके घर बना करके दे रही है, तो बहुत हैं 134 मानवता भलाई कार्य बहुत हैं। और पूज्य गुरुजी ने बोला है कि साल में आपको कम मतलब इनको करना ही करना है, एक या दो बार ज़रूर मानवता भलाई के कार्य किया करो जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं हाईवे पे एक गाय गिरी पड़ी है, और किस तरीके से जो शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा वे बाबा राम रहीम जी को मानते हैं, वो देखिए अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो रात को हाईवे पर रुक के ऐसा मानवता का कार्य कर रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए इसके बचाव के लिए उन्होंने ये अरेंजमेंट किया है, और 100 नंबर पे कॉल करके इंटीमेट भी किया है हमारे प्रशासन को कि एक्सीडेंट ना हो पाए और इसका जल्द से जल्द इसको रोड से हटाया जाए।